सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं फायरबोल्ट ग्रेनेड के बारे में। एंड इस स्मार्ट वॉच को ना मैं अभी 3-4 दिनों से यूज कर रहा हूँ। गाइज ट्रस्ट मी, मेरे पास ना सारे लक्स एडिशन के स्मार्ट वॉचेस हैं जो फायरबोल्ट ने अब तक लॉन्च की हैं। इन सब में से, इवन फायरबोल्ट डैगर में से भी ना, फायरबोल्ट ग्रेनेड का मुझे बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी लगी है। तो इस वीडियो में मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है उसके बारे में बात करूंगा। एंड क्या आपको ये इसका जो लॉन्च प्राइस है वो 2499 होने वाला है। एंड इसके अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, इससे कम भी प्राइस होगा। एंड जो आपको जो लक्स एडिशन वाला वेरिएंट है ना, उसका आपको 2499 इसका लॉन्च प्राइस मिलने वाला है। तो क्या इस प्राइस में वर्थ इट है लेना? क्या आपको लॉन्च डे के दिन इसे ग्रैब करना चाहिए? क्योंकि यार आफ्टर लॉन्च ना इसकी प्राइस बढ़ जाएगी एंड 4000 हो जाएगी। तो यार ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है अगर आप सोच रहे हो लेने का फायरबोल्ट ग्रेनेड, तो वीडियो पूरा देखना, डाउट्स क्लियर हो जाएगी। ऑल्सो गाइज, अगर आपको फायरबोल्ट ग्रेनेड या किसी भी लक्स एडिशन की स्मार्ट वॉच चाहिए तो मेरे पास सारे ना सील बॉक्स मिल जाएंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, लॉन्च प्राइस से कम में मिलेगी। लेट्स स्टार्ट द प्री लॉन्च रिव्यू। तो गाइज, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है यार काफी कमाल की है। तो हैवी भी है एंड डेफिनेटली बहुत प्रीमियम लगने वाला है। सारे लक्स एडिशन के वॉचेस से ना ज्यादा बेटर बिल्ड क्वालिटी है। डिस्प्ले की बात करूँ तो एमोलेड डिस्प्ले नहीं दे रखा है, ये एक मुझे लगी है छोटी सी मिसिंग चीज है। बट यार डिस्प्ले की क्वालिटी भी अच्छी है एंड इंडोर आउटडोर में ब्राइटनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं, कि मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी है, इसकी यूआई। इसकी यूआई ना और बेटर हो सकती थी। स्मूथनेस है यूआई में, बट यार थोड़ा सा एनिमेटेड लगता है। लाइक फायरबोल्ट और थोड़ी बेटर यूआई इसमें इंप्लीमेंट कर सकता था, क्योंकि यार लुक वाइज ये वॉच काफी कमाल की दिखती है। तो यूआई थोड़ी और बेटर हो सकती थी, बट यूआई में ऐसा कोई लैग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गाइज एक चीज मुझे और अच्छी नहीं लगी है यार, इसमें IP67 देखने को मिलती है। इतनी कमाल की वॉच बनाई है, IP68 डेफिनेटली होनी चाहिए। बट ठीक है यार, एक्यूरेसी की बात करूं तो यार एक्यूरेसी एग्जैक्ट कितनी है इसके फुल रिव्यू में बताऊंगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बट गाइज 123 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलती है एंड एक्यूरेसी अच्छी है। लाइक डेडिकेटेड सेंसर्स दे रखे हैं, बट कितने एक्यूरेट है ये आपको फुल रिव्यू में पता चलेगा। ब्लूटूथ कॉलिंग की बात करूं गाइस, तो ब्लूटूथ कॉलिंग फॉर नाउ मैं बता देता हूं कि आप इस पे रिलाई कर सकते हो। बट कितनी अच्छी है, इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी है, स्पीकर की क्वालिटी कैसी है, इसके अगेन फुल रिव्यू में पता चलेगा। क्योंकि अभी मैं ये सब ना दिखा नहीं सकता हूं ड्यू टू ब्रांड पॉलिसी, बट ये सब आप फुल रिव्यू में जाके चेकआउट जरूर करना। तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि ये लॉन्च कल ही हो रहा है और कल ही इसकी रिव्यू आएगी, तो आप मिस ना कर जाओ। कि भाई सारे फीचर्स इसमें दे रखे हैं, कैमरा कंट्रोल आर्म, स्टॉप वॉच, जो भी बेसिक फीचर्स रहता है ना वो सारे इसमें दे रखे हैं। तो मुझे ओवरऑल यार स्मार्ट वॉच काफी अच्छी लगी है। ऑल्सो गाइस इसमें रोटेटिंग क्राउन भी देखने को मिलती है। तो सारे मार्क टिक होते हैं, बट थोड़े थोड़े कहीं कहीं पे यार कुछ कुछ छोड़ दिया फायरबोल्ट ने, जिसके बारे में मैं ना इसके फुल रिव्यू में डेफिनेटली बात करूंगा। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। वॉच काफी तगड़ी है, बट यस डिटेल में अगर आपको जानना है कि वॉच एग्जैक्टली कैसी है, लुक वाइज कैसी है, तो यार उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड इसका फुल रिव्यू का वेट करना होगा। एंड यस आप इसे कंसिडर कर सकते हो, एक अच्छा स्मार्ट वॉच है इस प्राइस रेंज में। लाइक अगर आपको 2500 में मिल जाता है ना, तो काफी अच्छा डील होने वाला है। बाकी फुल रिव्यू के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल। चैनल में नए हो फिर से कहूँगा सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।